हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स के मैक्सिमम हॉलीवुड सीरीज के नाम सुनते ही दिमाग में आपके बस एक ही चीज आता है कि अपने फैमिली वालों के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया ये कोई नहीं कह सकता कि आपके स्क्रीन के सामने ना जाने कब कौन लड़का या फिर लड़की बिना कपड़ों के आपकी स्क्रीन के सामने आ जाए। हम सेक्स करने वाले हैं। तो बेहतर यही होगा कि बिना ज्यादा खतरों के खिलाड़ी बने हुए इन सभी सीरीज को घर में अकेले ही देखें तो ही बेहतर होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी के लेकर आया हूँ 2023 में रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हॉट बोल्ड इरोटिक वेब सीरीज का कलेक्शन, जो कि आपकी सभी गिल्टी प्लेजर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने वाली है। और अच्छी बात यह है कि ये सभी सीरीज हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा वक्त ना गुजारते हुए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस काउंटडाउन को नंबर 10 से पर नंबर 1 और नंबर 3 वाली सीरीज को तो सपनों में भी मिस मत करना। खैर नंबर 10 की प्लेस पे 2023 में आई बेहद ही गर्मा गर्म तड़कती भड़कती सीरीज ऑब्सेशन, जिसे एमडी पे 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स वालों ने केवल और केवल ठरकी भाइयों को ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि स्टोरी वाइज तो उतनी बवाल है नहीं इसमें। हाँ, पर बवाल लेवल की हॉट इरोटिक सीन इस सीरीज में भर भर के डाली गई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है कि ऐसी लड़की की जो कि अपने बॉयफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के बाप दोनों के साथ सेक्स कर चुकी होती है। और जब ये बात आगे बढ़ती है तो आखिर आगे क्या कुछ होता है ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जिसे आप सभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब के साथ फुल मजे लेकर देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 9 की प्लेस पे है सेक्स लाइफ सीजन 2, जिसे IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। और सीजन 2 देखने से पहले आपको इसका सीजन 1 देखना ही होगा, क्योंकि सीजन 2 की स्टोरी अपने सीजन 1 की अधूरी स्टोरी लाइन को आगे फॉलोअप करती है। पर एक चीज है जो इन दोनों सीजन में कॉमन है, वो है हर 10-15 मिनट में बस ठुकम ठुकाई, जिसे देखने के बाद सभी ठरके भाइयों के मुंह से तो बस एक ही चीज निकलने वाला है, टपा डप। जी हाँ दोस्तों, पूरी सीरीज बस बेहद ही ज्यादा बोल्ड इंटीमेटिक सीन से ही भरी पड़ी है, जिसे नेटफ्लिक्स पे काफी अच्छे हिंदी डबिंग के साथ भी रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ अगले नंबर 8 के प्लेस पे है सेक्सीफाई सीजन 2, जिसे IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। और सीरीज अपने नाम की तरह वाकई बेहद ही ज्यादा सेक्सी है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है तीन ऐसी लड़कियों की, जो कि तीनों मिलकर एक ऐसी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाना चाहती है जिसकी मदद से विमेन ऑर्गेज्म को बेहतर बनाया जा सके। तो आखिर इसके लिए वो तीनों लड़कियां आगे आखिर क्या कुछ करने वाली है और आखिर किस हद तक जाती है और क्या अपने इस मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई बेहद ही ज्यादा बोल्ड है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले नंबर 7 पे, और नंबर 7 की प्लेस पे है वैलेरिया सीजन 3, जिसे IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है चार ऐसी सहेलियों की जो कि अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती है। तो आखिर वो सभी अपने इरोटिक गिल्टी प्लेजर को पूरा करने के लिए आखिर किस हद तक जाती है, ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो तो ही बेहतर होगा, जो कि बेहद ही ज्यादा डबल मिनी डायलॉग के साथ एडल्ट सीन से भी भरी पड़ी है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 6 की, और नंबर 6 के प्लेस पे है इमली इन पेरिस सीजन 3, जिसे IMDb पे 6.9 की रेटिंग मिली हुई है। और इसका सीजन 3 देखने से पहले आपको इसका सीजन 1 और सीजन 2 देखना ही होगा, क्योंकि इसकी सीजन 3 में इसकी सीजन 2 के ही स्टोरी को कंप्लीट की गई है, जिसकी स्टोरी मेनली इमली नाम के कैरेक्टर के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि उल्टो रोमांस कॉमेडी और हाँ एडल्ट सीन से भी भरी पड़ी। तो अपने फैमिली वालों के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट नंबर 5 की प्लेस पे है यू, जिसका सीजन 4 भी इसी साल 2023 में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है जो नाम के एक ऐसे बंदे की जो कि वाकई बेहद ही ज्यादा शातिर होता है, और इसी के साथ गुड लुकिंग होने की वजह से काफी सारी लड़कियां भी उसे अट्रैक्ट होती ही रहती है। पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब उसे कोई लड़की पसंद आ जाए, क्योंकि अगर उसे कोई भी लड़की अगर पसंद आ जाए तो वो उस लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद सीरीज देख कर ही जानो तो ही बेहतर होगा, और इस सीरीज में भी बोल्ड इंटीमेटिक सीन भर भर के डाले गए। नेक्स्ट नंबर 4 के प्लेस पे है इलाइट सीजन 7, जिसे IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। और ये इलाइट सीरीज का सीजन 7 है, जो कि लास्ट मंथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब के साथ भी रिलीज हो चुकी है। हाँ, पर स्टोरी वाइज इसका कुछ स्टार्टिंग के ही सीजन काफी इंटरेस्टिंग थे, अब तो ये सीरीज कुछ ज्यादा ही जबरदस्त खींची भी लगती है, और फिलहाल अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से अभी तक कंटिन्यू कर रही है। तो अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो फिर आप इस सीरीज को एक बार तो देख ही सकते हो। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं इस लिस्ट में टॉप 3 की ओर, पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की। और नंबर 3 के प्लेस पे है नेटफ्लिक्स पे अब तक की सबसे बोल्ड सीरीज में से एक डार्क डिजायर सीजन 2, जिसे IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। और इसके सीजन 2 को खत्म करने के लिए आपको टोटल 15 एपिसोड देखने को होंगे, जिसकी स्टोरी अपने सीजन 1 की ही अधूरी स्टोरी लाइन को आगे फॉलो अप करती है, जिसमें बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड लव रोमांस के साथ साथ ही साथ एक मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन दिखलाई गई है। तो आखिर हवस की आग आखिर इन सभी कैरेक्टरों को आखिर किस हद तक ले जाती है, जिसमें बोल्ड इरोटिक इंटीमेटिक सीन के मामले में ये सीरीज तो आपसे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती।
नेक्स्ट नंबर टू के प्लेस पे है द विचर, जिसे IMDb पे 8.0 के काफी अच्छे खासी रेटिंग मिली हुई है। और हाँ, अगर आपने इसका सीजन 1 और सीजन 2 अब तक नहीं देखा है तो सीजन 3 देखने से पहले आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखनी होगी, क्योंकि सीजन 3 की स्टोरी ठीक वहीं से कंटिन्यू की गई है जहां से सीजन 2 की स्टोरी को एंड किया गया था। मतलब कि कैरेड और जेनिफर सीरी को छुपाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी सीरी को हासिल करना चाहते हैं कुछ अपने अपने मकसद के कारण। इसी के साथ सीरीज में टॉप क्लास के एक्शन के साथ बेहद ही ज्यादा एडल्ट सीन डाले गए हैं, तो अकेले ही बिंज वॉच करें तो ही बेहतर होगा। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं आज की लिस्ट पे नंबर 1 पे, और नंबर 1 की प्लेस पे है नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे पॉपुलर सीरीज सेक्स एजुकेशन सीजन 4, जिसे IMDb पे 8.3 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आपने इसका सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 अब तक नहीं देखा है तो सीजन 4 देखने से पहले आपको ये तीनों सीरीज देखनी होगी, जिसकी स्टोरी टीनेज में चल रहे सभी सेक्स रिलेटेड क्वेरी को सॉल्व करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, सीरीज वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल की है, जो कि मजे मजे में आपको काफी कुछ नॉलेजेबल सिखा भी जाती है, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार जरूर देखो। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज भी हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज वाकई आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आए होंगे। और इसी के साथ आप अगली वीडियो कौन से देखना चाहते हो ये मुझे कमेंट से नीचे जरूर बताइए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।